गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री वन का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब में है, जिसमें मैं आपको वेरियस ग्लासवेयर्स और एनालिटिकल बैलेंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट का टाइटल ही है टू स्टडी द डिफरेंट लैबोरेटरी इक्विपमेंट एंड द जनरल ग्लासवेयर यूज इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो वेरियस वेइंग बैलेंस और ग्लासवेयर यूज होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम तीन पॉइंट्स पढ़ेंगे, वेइंग बैलेंस एंड वेट बॉक्स पढ़ेंगे। उसके बाद एनालिटिकल बैलेंस क्या है वो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगी और नेक्स्ट इज द ग्लासवेयर। तो वेरियस वेइंग बैलेंस हम देखते हैं, तो आप सिंपल किराना शॉप में जाते हो, सोनार की दुकान में जाते हो, तो देयर आर द वेरियस वेइंग बैलेंस। अगर आप बड़े शॉप में जाते हो जहाँ पे अनाज खरीदते हो, तो वहां पे जो आपका तोला रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, वहां पे गेहूं ज्यादा कम ज्यादा एक पायली या आधा किलो कम ज्यादा भी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही अगर हम सोनार की दुकान में जाते हैं तो देखिए आपका ऐसे कांच के डिब्बे में रहता है वेइंग बैलेंस, यहाँ पे 500 या 200 एमजीज भी सोना इधर उधर गया तो एक तो सोना का नुकसान होगा या हमारा नुकसान होगा। तो वेइंग बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिपेंड अपॉन द थिंग्स कि आप अनाज ले रहे हो, लकड़ी ले रहे हो या सोना ले रहे हो, तो उसके बेसिस पे सेंसिटिविटी ऑफ द वेइंग बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी के बेसिस पे ये वेइंग बैलेंस का एक हमने चार्ट बनाया है। देयर आर द वेरियस वेइंग बैलेंस यूज इन द सोसाइटी। पहला है फिजिकल बैलेंस, जो आप सब्जी लेने जाते हो तो वहां पे रहता है। दूसरा है एनालिटिकल बैलेंस, मतलब दिस इज एनालिटिकल बैलेंस जो आपने सोनार की दुकान में देखा होगा। और ये कांच में क्यों रखा है, सबसे पहले तो अगर इसके जो ये डोर अगर ओपन रहते हैं तो बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर या यहाँ पे अगर फैन चल रहा है तो इसके बैलेंस में कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए ये डोर को क्लोज करके हम ये वेइंग करते हैं, जिससे वेपर प्रेशर यहाँ पे कुछ भी हार्म नहीं करेगा वेइंग ऑफ द बैलेंस के लिए। देन दूसरा बैलेंस है प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो आपने सभी किराना शॉप में देखा होगा आजकल यूज होता है। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके ऊपर अगर आप कुछ भी सामान रखते हो तो डिजिट्स में आपको उसका ग्राम दिखता है या केजीज दिखता है, तो वो है फिजिकल या प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में आता है। दूसरा है सिंगल पैन बैलेंस। सिंगल पैन बैलेंस आप अभी लैब में देखोगे, अब जब भी आप लैब में आओगे तब आप सिंगल पैन बैलेंस देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में रोटेशंस रहते हैं, डिजिट्स रहते हैं और एक सिंगल पैन का बैलेंस रहता है। देन टू पैन बैलेंस, अब ये टू पैन बैलेंस पहले के जमाने में सोन दही वाला वगैरह या सब्जी तोलने वाले यूज करते थे, जैसे इज अ टू पैन बैलेंस। नेक्स्ट बैलेंस इज द सिंगल पैन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सिंगल पैन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जैसा ही है जो सोनार की दुकान में यूज होता है, सिंपल कांच में इसको रखा जाता है और डिजिट्स में आपको आंकड़े दिखते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रिपल बीम बैलेंस, ये भी एक पर्टिकुलर सिंगल पैन बैलेंस जैसा ही है। नेक्स्ट इज द टॉर्शन टाइप ऑफ बैलेंस एंड डोना बैलेंस। डोना बैलेंस इज लाइक द सेम एज लाइक अ ज्वेलरी शॉप्स में जो सोने की दुकान में रहता है। नेक्स्ट इज द वेट बॉक्स, तो अभी ये वेट बॉक्स क्या है, तो वेट बॉक्स में आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए ये इस टाइप का एक वेट बॉक्स रहता है जहाँ पे 100 ग्राम 500 ग्राम का वेट रहता है और एक छोटा सा वेट स्टार्ट होता है 1 ग्राम से, ठीक है। देर आर द वेट बॉक्स इन दैट 1 ग्राम से ज्यादा वेटिंग रहती है, और 1 ग्राम से नीचे अगर हमको ड्रग का मेजर करना है, हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमको हमारी जो टैबलेट रहती है वो 50 mg 200 mg 500 mg में चलती है, तो ऐसे टैबलेट्स या ऐसे वेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो फ्रैक्शनल वेट बॉक्स यूज करते हैं। फ्रैक्शनल वेट बॉक्स देखिए इस तरीके से आपके मेटल फॉइल्स रहते हैं जिसमें 200-100 mg का वेट रहता है, इसको आप अच्छे से फोर्सेप्स से उठा सकते हो, पर्टिकुलर एक फोर्सेप रहता है उससे ऐसे आप पिंच कैसे जैसे चिमटे जैसे उठा सकते हो और इस वेइंग बैलेंस में रख सकते हो। तो जो 1 ग्राम से नीचे का वेट है जिसमें 200 mg 100 mg 500 mg का जो वेट चलता है वो फ्रैक्शनल वेट बॉक्स में आता है, कि एक छोटी सी डिब्बी रहती है जिसको हम फ्रैक्शनल वेट बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एनालिटिकल बैलेंस कैसे यूज किया जाता है, तो एनालिटिकल बैलेंस देखिए कि यहाँ पे नॉब है और यहाँ पे दो पैन है, एक पैन में आप वेट रख सकते हो, तो वेट कहाँ से रखना है, तो मैं यहाँ से आप ऐसे अगर मैं लेती हूँ कि ये 500 mg का वेट मुझे यहाँ पे रखना है, तो यहाँ से मैं 500 mg का वेट यहाँ पे पुट करूंगी और ये बंद करूंगी डोर। फिर मुझे क्या करना है, दिस इज अ बटर पेपर, ये बटर पेपर है कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिलता है, इसको हम वेइंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। वेइंग पर्पज के लिए क्या करना है, हमको सेकंड पैन में ये बटर पेपर रखना है, जिससे क्या होगा पैन का जो सरफेस है वो खराब नहीं होगा, इस पे जो भी कंपाउंड मुझे डालना है मैं वो डालूंगी, डोर को अल्टीमेट अगेन बंद कर दूंगी और ये नॉब को ऊपर की तौर पे ऐसे रोटेट कर दूंगी, दोनों बैलेंस हवा में आ जाएंगे और ऊपर डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, ऊपर
ऐसे झुका है। अगर दोनों पैलेट्स का वेट सेम है तो आपका जो नॉब है, जो वर्टिकल नॉब है, वो बीच में रहेगा। इस तरीके से हम एनालिटिकल बैलेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको लिक्विड सैंपल यूज करना है या मेजर करना है तो ये वेइंग बॉटल आती है, ठीक है। वेइंग बॉटल का यहाँ पर ढक्कन है, इसको आप ओपन कर सकते हो। इसमें आपको लिक्विड सैंपल लेना है और बटर पेपर की जगह पे आप वेइंग बॉटल यहाँ पे रख के उसका वेट कर सकते हो। तो लिक्विड सैंपल अगर वेट करना है तो आप वेइंग बैलेंस यूज करो, ओके। इसी तरह हमको ये सभी ग्लासेस प्रैक्टिकल पर्पज के लिए यूज करना है। तो क्या क्या ग्लासेस आप यूज करोगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी बीकर। बीकर हम किसके लिए यूज करते हैं, कोई भी सॉल्वेंट को मेजर करने के लिए या सॉल्वेंट को कैरी करने के लिए ये छोटे छोटे बीकर हम यूज करते हैं। देखिए ये 100 ml का बीकर है, इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 200 ml और ये 500 ml का, ठीक है। ये तीन बीकर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मेजरिंग सिलेंडर। सभी ने सुना होगा मेजरिंग सिलेंडर के बारे में। मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द सैंपल। आपको 10 ml लेना है, 100 ml लेना है, जैसे ये 10 ml वाला है। अगर आपको 50 ml लेना है तो डायरेक्टली आप बड़ा मेजरिंग सिलेंडर यूज कर सकते हो। और हमारे पास एक 50 ml का भी है जिसमें आप 20, 30 का डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। तो ये तीन डायमेंशन के मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास। फिर उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, तो ये है आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमको डायरेक्टली वॉल्यूम अगर बनाना है, अगर ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मेरा 500 ml का है तो मुझे 500 ml अगर कोई सॉल्यूशन बनाना है तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, इसमें सॉलिड कंपाउंड डालूंगी और सॉल्यूशन ये जो आपका मेजरिंग सिलेंडर है या बीकर है इससे डायरेक्टली मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऐड करूंगी। और यहाँ पे देखिए मार्किंग दी है 500 ml की, ठीक है। 500 ml की मार्किंग देने के बाद इसको नॉब बंद करके इसको शेक करके मैं एज इट इज रख दूंगी तो मेरा 500 ml का सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट इज द कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क देखिए नीचे से राउंड बॉटम है, ये हम टाइट्रेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। कोनिकल फ्लास्क जैसे सेम दिखने वाला है आयोडीन फ्लास्क। देखिए सिर्फ आयोडीन फ्लास्क में क्या चेंज है, ऊपर का जो डायमेंशन है वो चेंज है और यहाँ पे नॉब है, ठीक है। ये नॉब क्यों है, ये नॉब क्यों है, क्योंकि अगर आप दो रिएजेंट यहाँ पे आपने रिएक्शन में छोड़ दिए और आपको तीसरा रिएजेंट अगर डालना है तो आप क्या करोगे, ये जो रिमेनिंग कैविटी इसमें तीसरा सोल्यूशन डालोगे, नॉब को थोड़ा सा रोटेट करोगे तो सोल्यूशन विल बी डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इन द रिएक्शन और जो रिएक्शन का एटमोस्फियर है वो भी ब्रेक नहीं होगा। चलते रिएक्शन में हम सोल्यूशन ऐड करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स एटमोस्फियर। अगर आप ये पूरा ढक्कन निकालोगे तो इसकी जो गैस है वो निकल जाएगी, देन सोल्यूशन ऐड करोगे तो इस केस में जो रिएक्शन एटमोस्फियर है वो चेंज होगा। इसलिए इस तरीके से सेटिंग की है आइडियल फ्लास्क में क्या होगा, यहाँ पे हम सोल्यूशन डालेंगे, नॉब को रोटेट करेंगे, सोल्यूशन इज डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट इन द रिएक्शन। नेक्स्ट ये छोटा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये है राउंड बॉटम फ्लास्क और एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क। देखिए फ्लैट क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट है, इसको अच्छे से रख सकते हैं इसलिए फ्लैट, और राउंड है इसलिए राउंड बॉटम फ्लास्क। ये दोनों फ्लास्क सिंथेसिस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं जो आपको सेकंड ईयर का पार्ट है। नेक्स्ट अगर कुछ भी चीज अगर हमको हीट करना है, सॉलिड कंपाउंड या लिक्विड कंपाउंड, तो ये चाइना डिश यूज करते हैं। इसको पकड़ने के लिए ये हमारा पेयर ऑफ टंग है, इसकी हेल्प से हमको ऐसा उठाना है, इसको बर्नर पे रखना है एंड बर्नर से उठाने के लिए हम ये यूज करते हैं। देन ये फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर पे आप फिल्टर पेपर यूज करके, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे फिल्टर पेपर भी है, ठीक है। ये फिल्टर पेपर आप यहाँ पे पोर करो, ठीक है। इसको पहले मॉइस्ट करना है, इसके शेप का काटना है एंड देन इसको यूज करना है। दूसरा हम फनेल भी यूज करते हैं फॉर द फिल्टर पर्पज, इसको ट्रायंगल शेप में बनाना है, ठीक है, एंड देन इसको पुट करना है ऐसा इस तरीके से, और इसको मॉइस्ट करके आप फिल्टर करने के लिए यूज कर सकते हो। इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे भी ऐसे सेटल कर सकते हो। नेक्स्ट इज द थिल्स ट्यूब। देखिए टेस्ट ट्यूब के जैसे ही आकार में है लेकिन यहाँ से एक एंगल है, इसको थिल्स ट्यूब बोला जाता है। ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ हम थर्मामीटर भी यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज अ थर्मामीटर जिसमें मर्क्यूरी है। ये अगर आप यहाँ पे ऐसे बराबर से थ्रेड से टाई करके, उसका असेंबली का सेटअप अलग है, वो हम अलग एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। तो ये दोनों जो एपरेटस है वो आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टरर। एक पर्टिकुलर ग्लास का रॉड है जो आप कुछ भी चीज मिक्स करने के लिए या स्टर करने के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज द स्टरर। दिस इज द असेंबली फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है हमारा, सॉरी टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। दिस इज द टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये हमारी स्मॉल टेस्ट ट्यूब है और ये हमारी
बड़ी बिग टेस्ट ट्यूब है। इसको आप फोल्ड कैसे करोगे? तो सिंपल, ये टेस्ट ट्यूब लेना है, अगर आपको कुछ हीट करना है ये दो पैर में ऐसे आप इसको टाई करोगे और ये टेस्ट ट्यूब विद टेस्ट ट्यूब होल्डर तैयार हो जाएगी। फॉर द हीटिंग पर्पज आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज द नेस्लर सिलेंडर। यस, दिस इज अ नेस्लर सिलेंडर। देखिए, नेस्लर सिलेंडर और बड़ी टेस्ट ट्यूब में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इज दैट टेस्ट ट्यूब हमारी राउंड बॉटम है और नेस्लर सिलेंडर इज द फ्लैटिंग बॉटम। ठीक है, नेस्लर सिलेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिमिट टेस्ट। जो हम फर्स्ट ईयर में लिमिट टेस्ट का प्रैक्टिकल लेने वाले हैं उसमें हमको नेस्लर सिलेंडर चाहिए। यहाँ पे 25 और 50 की मार्किंग की है, तो नेस्लर सिलेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, हमारे पास कुछ पिपेट्स है। ठीक है, ये पिपेट से क्या करते हैं, हम सोल्यूशन को लेते हैं। पर्टिकुलर अगर मुझे यहाँ से सोल्यूशन लेना है और यहाँ पे डालना है तो ये यहाँ से पिपेट यूज करूंगी। तो मुंह से सब नहीं करना है, हमको रबर बग से सब करना है। रबर बग है, यहाँ से हम सोल्यूशन ऐसे पंप करेंगे एंड देन ये सोल्यूशन में डालेंगे, जिसको बोला जाता है पिपेट। और पिपेट हम सोल्यूशन को मेजर करने के लिए या गिनने के लिए लेने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज द ब्यूरेट। फर्स्ट ईयर में हमको ब्यूरेट लगेंगी टाइट्रेशन पर्पज के लिए। इसको ऐसे स्टैंड से होल्ड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 0 to 50 की मार्जिन रहती है। यहाँ पे एक छोटा सा उसका रबर बग का नॉब है जिससे हम सॉल्यूशन को टाइट्रेशन पर्पज के लिए, जैसे मैं यहाँ पे कोनिकल क्लास में टाइट्रेशन कर रही हूँ, इस तरीके से उसका असेंबली का सेटअप रहेगा। ओके, वो कैसे फिल करना है वो हम आगे के प्रैक्टिकल्स में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज द लिटमस पेपर। यस, आपको लिटमस पेपर मैंने पढ़ाया है एसिड एंड बेस के डेफिनेशन में। देखिए, दिस इज अ रेड लिटमस पेपर। ओके, एंड सेकंड इज द ब्लू लिटमस पेपर। ये दोनों लिटमस पेपर हम प्रैक्टिकल पर्पज के लिए फॉर द टेस्टिंग ऑफ एसिड एंड बेस चेक करते हैं। एंड लास्ट वन ऑफ द पेपर है मेरे पास, दैट इज येलो कलर, जिसको पीएच पेपर बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए, ये कलरफुल स्ट्रिप भी दी है। मैं क्या करूंगी, ये पीएच पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा कोई सॉल्यूशन में ऐड करूंगी और यहाँ पे मैं कलर कंपेयर करूंगी। देखिए, यहाँ पे 1 to 5 है और यहाँ पे 6 to 11 है, जिससे मुझे पता